sawa zero. इसमें डाला है हमने 2 चम्मच पिसी हुई मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच जीरा पाउडर। सबसे पहले डालेंगे हम कढ़ाई में तेल डाल दिया और प्याज को फ्राई करेंगे। फ्राई करेंगे और दूसरी तरफ से कर रहे हम ये पतली खिचड़ी। दाल चावल मैं इसको धोऊंगी और फिर आपको बताऊंगी। प्याज जो है ना हमारे अभी खिचड़े हो गए हैं, अब इससे हम डालेंगे 2 बड़ी इलायची, 3 पत्ते डालेंगे 1 प्याली दही की, फिर इसको भूनेंगे, फिर आलू डालेंगे, शोरबे का पानी। ये मलाई हो गई है।
गोश्त भी गल गया और भुनाई भी अच्छे से हो गई क्योंकि ये तेल में कलाया। अब हम डालेंगे इसमें शोले का पानी। थोड़ा सा इतना सा एक चुटकी आटा लग के इसको मिक्स करके इसके शोरबे में डालेंगे। फिर डालेंगे इसको जायफल, जावित्री और गरम मसाले का थोड़ा सा पाउडर। ये हमारा सालन बन जाएगा दम पे। मज़ेदार सा कलर देखो, मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार। ये हमारी नमकीन पतली खिचड़ी, जिसका कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा या पेट सही नहीं है तो उसके लिए ज़बरदस्त। अब मैं इसको जा रही हूँ भगाड़ लगाने, प्याज से भगाड़ लगाऊंगी। फिर ये लहसुन की चटनी के साथ बहुत मज़ेदार अचार के साथ। मेरा ठंडा खिचड़ी में प्याज, मज़ेदार सी पतली खिचड़ी। ये देखें, और ये हमारा आलू गोश्त भी हो गया तैयार। ठीक है, ना कोई बोटी टूटी ना कोई आलू टूटा, बहुत मज़ेदार। आलू गोश्त पतली।